उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र के गौरी शंकर गुलड़िया मंदिर पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सुबह प्रात काल करीब 4 बजे ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान बरेली एसपी देहात दक्षिणी मानुष पारिक और सीओ आबला व्यवस्था में डटे रहे। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में गौरी शंकर गुलड़िया मंदिर पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक दिन पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुरुष और महिलाओं की अलग अलग कतारों में लगकर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा से मन्नत मांगी। जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने मेले में जमकर खरीदारी की और छोटे छोटे बच्चों ने झूला झूले। मीना बाजार में महिलाओं की भीड़ देखते ही पहले से ही महिला पुलिस तैनात कर दी गई थी। सिरौली के हरिदास मंदिर पर शुक्रवार की सुबह डाक कावड़ियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ रखने के लिए एसपी देहात दक्षिणी मानुष पारिक और सीओ दीपशिखा, एसडीएम आंवला गोविंद राम मौर्य, बड़ा गांव चौकी प्रभारी दीपक कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए संवाददाता रामू कठेरिया के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के थाना सिरौली क्षेत्र के गांव गौरी शंकर गुलड़िया में। आज जैसा कि शिवरात्रि का पर्व है और भोले बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज से यहां पर शिव भक्त पहुँचे। मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, यहां शिव भक्त पहुँचे हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम जी? बबलू श्रीवास्तव। कहाँ से हैं बबलू? खैलम। कितने सालों से आ रहे हैं? करीब 8-10 सालों से आ रहे हैं सब। तो कितने समय हो गया लगभग आपको यहाँ पर लाइन में लगे हुए? सर 2-1.5 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए सर। क्या मन्नत को लेकर आए, क्या भोले बाबा से मांगने के लिए? बस यही मन्नत लेकर आए सर, सुख शांति घर में बनी रहे। और क्या मन्नत है? और तो कोई मन्नत नहीं है बस सर। और ब्याह हो साथी वगैरह भी पहुँचे हैं? ना साथी हैं, ये भी साथी हैं, बच्चे भी हैं। ललित कहाँ से आए? अलीगंज से। अलीगंज से जी। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर? कम से कम 7-8 सालों से आ रहा है छोटे से। ललित जी, देखा जाता है भोले बाबा का आकार लगातार बढ़ रहा है, कैसा आपने देखा है करीब से? जी आकार तो बहुत छोटे से थे, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं भोले जी। बहुत बढ़ गया, सबकी मनोकामना ही पूर्ण करते हैं वो, और बचपन से ही आ रहे हैं देखते हुए, शुरू से ही मनोकामना पूर्ण करी है उन्होंने। मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी जी जी। देखिए यहाँ पर तमाम शिव भक्त आप देखेंगे, एक लंबी कतार। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। शिव भक्त और शिव भक्त उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या नाम है? अभय गुप्ता। अभय जी कहाँ से आए हैं आप? अलीगंज से आया हूँ मैं भी। अच्छा, पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरी फैमिली लेके आती थी यहाँ पे, बाबा की कृपा है। श्रद्धा है आपको भोले बाबा से? वो ऐसे बयान नहीं कर सकते आपको, आप जानते हैं बाबा की कृपा से ही है जो भी है, तो कुछ कह ही नहीं सकते उनके। हाँ, हम 4 लोग आए हैं, ये है हमारे सब दोस्त हैं भाई जैसे। तो मन्नत मांगने आए भोले बाबा से? वो नहीं बता सकता मैं आपको। देखिए शिव भक्त, मैंने बात की यहाँ पर, कुछ शिव भक्त हैं उनकी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हैं और लंबी लंबी कतारें, मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप देखेंगे, लंबी कतारें आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं सीधी तस्वीरें आपको नापतुल न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो शिव भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, शिव भक्त अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुँचे। बताया जा रहा है यहाँ पर जो लोगों की श्रद्धा भोले बाबा से जुड़ी हुई है, यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सुबह से ही पुलिस प्रशासन की हालांकि यहाँ पर ड्यूटी है, बरेली एसएसपी देहात समेत क्षेत्र अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। और मेरे पीछे मैं और भी आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ तक आपकी लाइन जो नज़र जा रही होगी वो लंबी लंबी कतारें होंगी और पुलिस प्रशासन की यहाँ व्यवस्थाएँ बिल्कुल चाक चौबंद आपको नज़र आ रही होंगी। तमाम यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हैं और भी शिव भक्त हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भैया क्या नाम? रवि। रवि जी कहाँ से हैं? हम औला से। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 10 साल से। 10 सालों से। रवि जी देखा जा रहा है भोले बाबा का आकार बढ़ता चला जा रहा है, आपने देखा है करीब? हाँ करीब से देखा है, बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है, पहले बहुत बढ़ रहा है, जब से योगी सरकार आई तब से बढ़ रहा है। अच्छा, जब से? हाँ वैसे नहीं बढ़ता था, वैसे रोक हैंड ब्रेक। अच्छा, तो ये क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा जी कहाँ से? यूपी बरेली। बरेली से जी। जी सुबह कितने बजे से आप कतार में लगे हुए? यहाँ सुबह समथिंग 8:30 बजे से। सुबह 8:30 बजे जी जी। हाँ कौन कौन आपके साथ आया? मैं हूँ और मेरे साथ के लड़के हैं ये भी जी। क्या मन्नत मांगने आए हैं भोले बाबा से? वो तो नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? नहीं, वो तो नहीं बता सकता। अच्छा। जी जी। देखिए मेरे पीछे की तस्वीरें, यहाँ पर जो लगातार नापतोल न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची
और जो शिव भक्त है मेरे पीछे आप देखेंगे, शिव भक्त कतारों में लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और कल सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। अलग अलग बैरिकेडिंग लगाकर जो शिव भक्तों को जलाभिषेक करने की व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं और सुबह 4 बजे से ही शिव भक्त यहाँ